नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक हिट और ब्यूटीफुल फीमेल बॉडी बिल्डर्स हैं, जो दुनिया भर में नाम कमाने के लिए दिन रात काफ़ी कड़ी मेहनत करती हैं और पुरुषों के मुकाबले काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ चुकी हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी फिटनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस फीमेल बॉडी बिल्डर का नाम नतल्या कोवलेनवा है। नतल्या रशिया की रहने वाली हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1989 में हुआ था। इनकी हाइट 5 फुट 7 इंच है और वज़न लगभग 75 किलो के आसपास रहता है। नतल्या ने केवल 12 साल की उम्र में अपनी मां को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। इन्होंने अपनी मम्मी की बहन के द्वारा ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प प्राप्त की, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता और सहायता भी मिली। इन्होंने अपने हर काम के लिए अपनी मम्मी की बहन का सपोर्ट पाया और दुनिया भर में नाम भी कमाया। नतल्या ने शुरुआत में रेसलिंग में ज्वाइन किया, जिसके बाद इनके कोच ने इनको स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। नतल्या ने 15 साल की उम्र में ही मजबूत और मस्कुलर कंधे बना लिए थे। जब नतल्या ने कॉलेज ज्वाइन किया तो उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। नतल्या ने कॉलेज के लड़कों के साथ ही अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। इसके बाद इन्होंने किक बॉक्सिंग में भी भाग लिया और सभी खेलों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। नतल्या ने इसके बाद अपने वेट को लूज करने के लिए जिम ज्वाइन करी और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कआउट किया। जिम में हार्ड वर्कआउट के रिजल्ट के दौरान उन्होंने अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस पाए, जिसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस की जर्नी में कदम रखना शुरू किया। तो हमारी यह फीमेल बॉडी बिल्डर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नतल्या के बारे में और भी काफ़ी सारी जानकारी देंगे। तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।